अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाना बताएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लिए हमें आलू चाहिए, पत्ता गोभी जिसे हमने आधा पत्ते गोभी को कट किया है, एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च को कट किया है, दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिया है, तड़के के लिए हरी मिर्च, प्याज और ज़ीरा लिया है, स्वाद के लिए नमक लिया है। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक को ले सकते हैं। और सब्जी को कलर अच्छा मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमने रेड चिली का यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ हम कस्तूरी मेथी का यूज़ करें। चलिए देखते हैं इस सब्जी को कैसे बनाते हैं। कुकर में मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। आप किसी भी तेल का यूज़ कर सकते हैं। आप रिफाइंड तेल का यूज़ करते हैं, आप फूड वाले किसी भी तेल का यूज़ कर सकते हैं सब्जी को बनाने के लिए। पहले इस तेल को अच्छे से हीट होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका। अब तड़के के लिए हमने जो ज़ीरा, ग्रीन चिली, प्याज लिया था उससे हम आलू ऐड करेंगे। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, इन सब को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा से पानी ऐड कर देंगे, लीड लगा देंगे। अब इसे हम दो से तीन सीटी आने देंगे। कस्तूरी मेथी को हाथों से ऐसे ही क्रस करके अब इसको हम इसे सब्जी में ऐड कर देंगे। देखिए कितनी प्यारी और टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुई है। इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। चाय से आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है शिमला मिर्च आलू उसकी। इसको खा के देखिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों के शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।